द एम्पायर ऑफ आइसक्रीम बाय वॉलेस स्टीवेंस। जब आप पहली बार इस पोएम के टाइटल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी आइसक्रीम के राजा के बारे में है, पर असल में ये पोएम बहुत ही गहरी बात मज़ेदार तरीके से बताती है। इस पोएम के दो स्टैंजाज हैं। पहला स्टैंजा लाइफ को यानी कि जीवन को दिखाता है और दूसरा स्टैंजा जीवन के आखिर में जो मृत्यु आती है यानी डेथ आता है उसे दिखाता है। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका मेन फोकस आइसक्रीम पे है। उन्होंने आइसक्रीम का इस्तेमाल एक सिंबल के रूप में किया है। आइसक्रीम हमारे जीवन को दिखाता है और पोएट का कहना है कि हमें आइसक्रीम को पिघलने से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि हमें अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीना चाहिए इससे पहले कि हमारा जीवन ख़त्म हो जाए। जैसे कि एक आइसक्रीम पिघलने के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जब भी आप आइसक्रीम खाते होंगे तो आप आइसक्रीम को खाते वक्त काफ़ी खुश रहते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हैं। पोएट भी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन को भी उसी तरीके से जीना चाहिए जिस तरीके से हम आइसक्रीम को मज़े लेते हुए खाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने जीवन के भी मज़े लेने चाहिए और उसे अच्छे से जीना चाहिए। जीवन के मज़े लेकर जीने का मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, जिस प्रकार भी हो, आपको ठीक उसी तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहिए। तो हम पहला स्टैंजा देखते हैं। पहले स्टैंजा का जो सीन है वो एक किचन में शुरू होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई पार्टी होने वाली है। तो लाइन कुछ इस प्रकार की है, कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स द मस्कुलर वन एंड बिड हिम विप इन किचन कप्स कंस्क्यूपिसेंट कर्ड्स। सिगार्स जो होते हैं वो सिगरेट की तरह ही होते हैं, पर वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और उन्हें जो है हाथ से रोल करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत का काम है और उसे हाथों से करना पड़ता है। तो सिगार्स को रोल करने का काम कोई कमज़ोर इंसान तो कर नहीं सकता है, जो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रांग होगा वही इंसान कर सकता है। इसीलिए पोएट जो हैं कह रहे हैं कि जो सिगार को रोल करने वाला जो मस्कुलर मैन होता है, जिसके पास बहुत सारे मसल्स हैं, काफ़ी हट्टा कट्टा है, उस इंसान को बुलाओ जो सिगार्स को रोल करता है। और पोएट उस सिगार रोलर को कहते हैं कि वो किचन में जाए और वहाँ जाकर जो किचन में रखे हुए कप्स हैं, कप्स के अंदर वो कर्ड्स जो हैं यानी जो दही है उसको विप करे। विप करने का मतलब होता है कि आपने सुना होगा विप क्रीम या फिर विप कर्ड्स। विप का मतलब होता है कि काफ़ी तेज़ी से फेंटना। आप कोई क्रीम हो या फिर कर्ड हो उसको बहुत ही तेज़ी से फेंटोगे तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और वो बहुत ही क्रीमी लगता है खाने में। तो इसीलिए पोएट जो है एक मस्कुलर मैन को ये काम सौंप रहे हैं, क्योंकि उसे जो है लगातार मिक्स करना पड़ता है हाथों से, तो वो कोई एक स्ट्रांग इंसान ही कर सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मस्कुलर मैन को कि किचन में जाकर जो किचन में कप्स रखे हुए हैं उस कप के अंदर कर्ड्स जो हैं उसको विप करो यानी कि फेटो। और ये जो कर्ड्स हैं ये किस तरीके के कर्ड्स हैं? ये कर्ड्स जो हैं कंक्यूपिसेंट कर्ड हैं। कंक्यूपिसेंट का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर, पर यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर इसका मतलब नहीं है। जब आप किसी क्रीम या फिर किसी कर्ड को विप करते हो यानी काफ़ी मिक्स करते हो तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और उसे देख कर ही आपके मुँह में पानी आने लगता है। इसीलिए पोएट ने यहाँ पे जो कर्ड है उसके लिए कंक्यूपिसेंट यूज़ किया है कि वो जो है काफ़ी स्मूथ कर्ड है क्योंकि उसे विप किया गया है मस्कुलर मैन द्वारा। तो पोएट जो है मस्कुलर मैन को किचन में जाकर कंक्यूपिसेंट कर्ड बनाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शायद बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कोई पार्टी होने वाली है इसीलिए। आगे के लाइन है, लेट दी विंचेस डॉडल इन सच ड्रेस एज दे आर यूज टू वियर एंड लेट दी बॉयज़ ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर। तो अभी जो भी पार्टी होने वाली है तो उसमें लोग तो आएंगे ना, तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों आएंगी। तो पोएट जो हैं लड़कियों से कह रहे हैं कि जो लड़कियां आने वाली हैं उनसे कहो कि वो जैसे ड्रेस अपने घर पे पहनती हैं, जैसे कपड़े जो वो हमेशा पहनती हैं जिनमें उन्हें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करती हैं वो पहनना,
उन्हें कहो कि वैसे ही कपड़े पहन कर आए। मतलब पोएट जो है उन लड़कियों से कह रहे हैं कि कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे कपड़े तुम पहनती हो वैसे ही पहनो, ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है या फिर नए फैंसी कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और उसके आगे पोएट जो हैं लड़के जो हैं उनसे भी कुछ कह रहे हैं। वो लड़कों से कहते हैं कि वो जो लड़के हैं उस पार्टी में आएंगे तो वो फूल लेकर आने वाले हैं, तो वो जो फूल लेकर आएंगे तो उसको वो किसी चीज़ में रैप करके लाते हैं ना, तो वो लड़कों से कह रहे हैं कि जो फूल हैं उसे पुराने जो न्यूज़पेपर हैं उनमें रैप करके लाओ। मतलब फूलों को बहुत अच्छे से रिबन वगैरह लगा कर या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे करके लाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने जो न्यूज़पेपर हैं उसमें रैप करके लाओ। आगे का लाइन है, लेट बी फिनाले ऑफ सीन, दी ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। यहाँ जो वर्ड सीम है, सीम का मतलब होता है जो बाहरी अपीयरेंस है, यानी बाहरी चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो है। तो पोएट जो है इस लाइन में कह रहे हैं कि ये जितने भी बाहरी दिखावे आप करते हो कि आप महंगे कपड़े पहनते हो या फिर महंगे सामान यूज़ करते हो, दिखावे भरी जो दुनिया है इसको अंत करो, यानी ऐसे आपकी लाइफ नहीं चलने वाली। पोएट जो है वो दिखावे की दुनिया ख़त्म कर कर जो रियलिटी है, जो असल ज़िंदगी है, मतलब आप जैसे हो वैसे ही रहो, इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आखिरी लाइन जो है उसमें पोएट कहते हैं जो असल राजा है, जो असली राजा है, वो वही इंसान है जिसके पास आइसक्रीम है। यानी कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आइसक्रीम जो है यहाँ पे आपके लाइफ को बताता है, यानी कि आप जब आइसक्रीम खाते हो तो आप उस वक्त कोई दिखावा नहीं करते हो। जो इंसान खुशी के साथ अपने लाइफ को इंजॉय करता है बेफिक्र होकर, यानी कि वो किसी भी तरीके का दिखावा नहीं करता है और सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि वो हमेशा खुश रहे, वही असल राजा है। यानी कि जो आइसक्रीम को इंजॉय करता है बिना किसी दिखावे के, वही असल राजा है। अब हम स्टैंजा 2 पे आ जाते हैं। स्टैंजा 2 के लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके से हैं, टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील Lacking the three glass knobs, that sheet on which she embroidered fantails once, and spread it so as to cover her face. पहले इस स्टैंजा के जो चार लाइन हैं उसके कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग देखना ज़रूरी है, पहले वो हम देख लेते हैं। ड्रेसर का मतलब होता है कि लकड़ी का बना हुआ एक फर्नीचर होता है जिसके अंदर आप जो भी ज़रूरी सामान होते हैं वो सारे उसमें रखते हैं, और ये अक्सर किसी के बेडरूम में ही रखा होता है। डील का मतलब यहाँ पे हुआ सस्ती लकड़ी, यानी जो कम दाम में मिलती है और जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है वो। नॉब्स का मतलब होता है कि जो ड्रेसर होता है, तो ड्रेसर के अंदर बहुत सारे दराज होते हैं ना, तो उस दराज को आप कैसे खोलते हो, उसके ऊपर जो नॉब लगा रहता है वो निकला होता है गोल गोल, उसको पकड़ कर ही खोलते हो ना, तो उसी को नॉब बोलते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कि कसीदा करना, किसी कपड़े के ऊपर आप कोई भी कढ़ाई करते हो ना उसे ही कहते हैं एम्ब्रॉयडर्ड। फैंटेल्स का मतलब होता है कि फैंटेल एक तरह का पक्षी होता है जिसकी जो पूंछ होती है वो एक पंखे की तरह निकली हुई होती है, तो उसे ही फैंटेल्स कहते हैं। तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि एक मरी हुई औरत है और उसका मरा हुआ शरीर वहाँ पर रखा हुआ है, और ये जो मरी हुई औरत है इसी का ये बेडरूम है, और इस बेडरूम में एक ड्रेसर रखा हुआ है, और ये जो ड्रेसर है ये सस्ते लकड़ी का बना हुआ है, और इस ड्रेसर के जो दराज हैं उसके नॉब्स भी नहीं हैं, तीन नॉब्स गायब हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो औरत थी ये काफ़ी गरीब थी। तो पोएट हमें कह रहे हैं कि इस ड्रेसर के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है, और उस कपड़े के ऊपर ये जो औरत अभी मरी हुई है, इसी औरत ने कभी उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया था, फैंटेल्स का डिज़ाइन बनाया था। तो पोएट हमें कह रहे हैं कि ये जो कपड़ा है इसे उठाओ और इस औरत के ऊपर इस तरीके से फैला दो कि उसका चेहरा जो है वो ढक जाए। मरे हुए शरीर के ऊपर अक्सर हम कपड़ा रखते हैं ना, तो इसीलिए पोएट हमें ऐसा कह रहे हैं। आगे के लाइन्स हैं, इफ़ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज़ एंड डम्प। हॉर्नी फीट का मतलब होता है कि घिसे हुए पाँव,
जब कोई आदमी नंगे पांव बहुत ज़्यादा काम करता है, आपने देखा होगा कोई वर्कर्स आपके आसपास अगर कोई काम करते हो तो उनके पांव जो है, अगर वो खाली पांव काम करते हैं तो उनके पांव जो है पूरी तरीके से घिस जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। तो इस औरत के जो पांव हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना। तो इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि अगर उस औरत का, यानी उस मरी हुई औरत का घिसा हुआ पांव बाहर आ जाए, जब वो कपड़ा उसके ऊपर डालते हैं तो वो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा और उसका पांव जो है थोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो जो लोग भी आएंगे उन्हें बस यही दिखेगा कि उस औरत का शरीर ठंडा पड़ गया है और वो बिल्कुल शांत है क्योंकि वो मर गई है। यानी कि पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान इस पे नहीं जाएगा कि उसके जो पांव हैं वो काफ़ी गंदे हैं, इन सब पे नहीं जाएगा, बस हमें यही लगेगा कि वो मर गई है, वो शांत है। डम का यहाँ पे मतलब शांत है, बेवकूफ़ के लिए जो हम डम यूज़ करते हैं वो नहीं, डम का मतलब कि शांत। देखिए, अगर हम ये जो लाइन सेकेंड स्टैंजा में हमने देखे हैं, अगर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि पोएट ने पहले तो इस लाइन में इस औरत की, यानी ये जो मरी हुई औरत है, उसके बेडरूम का अपीयरेंस बताया जो कि अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका जो ड्रेसर था, ड्रेसर के नॉब्स गायब थे और वो काफ़ी कम दाम के लकड़ियों से बना हुआ था, क्योंकि ये जो औरत थी वो काफ़ी गरीब थी। फिर इसके बाद पोएट ने इस औरत के द्वारा बनाए हुए डिज़ाइन के बारे में बताया, जो उसने एक कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाया था फैंटेल का, और फिर इस औरत के घिसे हुए पाँव को बताया। लेकिन इन सभी अच्छे या बुरे बाहरी अपीयरेंस के बाद पोएट ने ये बताया कि वो औरत मरने के बाद पूरी तरीके से शांत हो गई है, यानी कि मृत्यु जो है वही आखिरी सच है, बाकी सारी चीज़ें बस बनावटी होती हैं और दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता है, मृत्यु मुझे भी आएगी और आपको भी आएगी। तो पोएट जो है हमें बाहरी दिखावों से बचने की सलाह दे रहे हैं। वो दिखा तो रहे हैं कि बाहरी अपीयरेंस ऐसा है वैसा है, लेकिन आखिर में उन्होंने मृत्यु के बारे में बताकर ये बात सीधा कह दिया कि बाहरी अपीयरेंस से, बाहरी चीज़ों से, दिखावट से कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद का लाइन है लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम। अफिक्स का मतलब होता है एक जगह पे फिक्स करना। तो पोएट हमें बोल रहे हैं ये जो दिया है, दिए की रोशनी को एक जगह पे केंद्रित करो, यानी कि पोएट हमें एक बात के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, और वो बात ये है जो कि पोएट ने इस स्टैंजा के आखिर में लिखा है, दी ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। यानी कि पोएट हमें इस बात के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी दिखावा कर लो लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी ही है, लेकिन असली राजा वही है जो कि आइसक्रीम के ख़त्म होने से पहले ही उसे इंजॉय करके खाता है। यानी असली राजा वो है जो अपने जीवन को बिना किसी दिखावे के बेफिक्री के साथ जीता है। जैसा कि पोएट ने हमें फर्स्ट स्टैंजा में कहा था, वो लोगों से कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, लड़कियों से कह रहे थे कि जैसे तुम कपड़े पहनती हो वैसे ही पहनो। तो पोएट ये क्या कहना चाहते हैं? पोएट हमें यही कहना चाहते हैं कि आपको खुश रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही आप खुश रहकर अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ जी सकते हो,